जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक करते हैं सब भाइयों को यूट्यूब चैनल पे एंड फेसबुक पेज पे। जी ये देखें जी, नस्लें रखी हुई हैं हमने, नस्लें ठीक है जी। हवेली में लेके गए हैं इस जनाब को, और ये जनाब को आज ही पर खोल के छोड़ा, और ये जनाब सीधा घर नजर आ रहे हैं जी। ये देखें, ये बैठी हुई है, नस्लें रखी हुई हैं हमने, नस्लें बताना कैसी नस्लें। ये दोस्तों हमने कबूतर पकड़ा था बच्चा, तो सोचा था चले जो है ना वो बच्चा पकड़ा हुआ है तो इसको छोड़ेंगे कि ये जो है ना मतलब क्या करता है हवेली में। तो हवेली में जनाब को छोड़ा और आज ही खोला और यहाँ पे आ गया जी। ये देखें ज़रा इसको मैं पकड़ता हूँ ऊपर चढ़ के ज़रा। तो बाकी दोस्तों ये देखें ज़रा लाइटों के हालो हालात देखें जी क्या हो रहे हैं इस वक्त। ये लाइट भी नीचे की तरफ है और वो देखें वो क्या कर रही है, ये देखें ये लाइट क्या कर रही है जी। इन लाइटों को आज ही उतारते हैं और साथ में मेरा जहन बन रहा है ये टापे छापे उतार दें और ये छोटी जाफरी जो है ना इसको ले जाएं हवेली में। आप क्या कहते हैं इसको, मेरा जहन है कि इस जाफरी छोटी को जाना हवेली में ले जाते हैं, इसका फ़ायदा कौन नहीं अब यहाँ पे, इसको भी उतार देना चाहिए। बाकी इस बच्चे को ज़रा मैं पकड़ लूँ यहाँ पर, छिक्का ले के आता हूँ ज़रा मैं कमरे से, क्योंकि दोस्तों इसको छिक्के से जो है ना इसने आसानी से जो है ना आता आ जाना। ये देखें ज़रा जी, और बच्चे की अकल देखें जी, किसी का येलो जाल के जो है ना वो लगा हुआ है बच्चा। ये हमारे ब्रीडर कबूतर हैं कमरे वाले जी। ये देखें मच्छरों ने दोस्तों आजकल काफ़ी तंग करके रखा हुआ है, मच्छर कमरे के अंदर जो है ना वो नहीं मच्छरों की सेफ्टी हो पा रही। और दूसरे जालों से जो है ना खुडों से उनके मैं दरवाजे बंद कर देता हूँ रात को, और स्प्रे स्प्रू कर देते हैं उससे जो है ना मच्छरों से जान छूट जाती है। ओ यार रुक तो जा। ये देखें जी अब यहाँ से हमें इस नस्ल को जो है ना वो पकड़ते हैं। ये देखें ज़रा, इसमें मैं नहीं अब बोलूँगा कि मेरे घर के बच्चे हैं ये वाले, ये जो मैं मतलब हवेली में लेके गया हूँ ये बच्चा मेरे घर का कोई नहीं है जी। ये मैंने पकड़ा था एक बच्चा, और पकड़े हुए को मैंने काफ़ी दिन अलहदा रखा है ताकि कोई वायरस वायरस वाला कुछ सिस्टम खुदा ना खासा हो सकता है उसको मतलब ठीक रहे, तो बाकी फिर ये ठीक रहा। और अब जो है ना मैं इसको हवेली में लेके गया था और इसको ज़रा मैं पकड़ता हूँ। ये देखें ज़रा जी, इस तरह की नस्लें रखी जी सारे, ठीक है कि जहां से निकला हो वहां से जो है ना वो वापिस आ जाए। वैसे हमारे बच्चे जब के मैं लेके गया हूँ वो जो है ना वो नहीं तंग कर रहे, वो नहीं घर आ रहे, वो वहीं पे सेट है। ये बच्चे का पर्पल है जी, ठीक है जी, और बड़ा बच्चा जो है ना वो बड़ा अच्छा है। एक दो मरतबा तंग करेगा अभी तो फिर इंशाल्लाह लग भी जाएगा वहाँ पे। बच्चा अच्छा था, मैंने सोचा चले जाना छोड़ेंगे इसको साथ में, कुछ अपने घर के भी हैं दोस्तों छोड़े हुए आपको पता है जिस तरह से। तो आगे इंशाल्लाह ब्रीड श्रीड हो रही है जी, बड़े माशाल्लाह से बच्चे आगे फिर ये देखें पाल रहे हैं। बस थोड़ा सा ये जो मच्छर है ना ये बड़ा काम खराब कर रहे हैं। या से थोड़ा सा मैं बच्चों का आपको दिखा दूं जी, ये देखें ये मच्छर का देखें दाना निकला हुआ है एक बच्चे को ये नज़र आ गया जी। ये देखें बाकी बच्चे माशाल्लाह स्टैंडिंग स्टूलिंग चेक करे बच्चों की ज़रा, ठीक है जी। और ये हमने एक ब्रीड के लिए रोका हुआ है बच्चा माशाल्लाह से, ये पट्टी है जी, और इसकी ज़रा बंतर बुंतर चेक करें आप, ये जोड़ों वाला है जी हमारा, ठीक है जी। तो माशाल्लाह सब भाइयों ने ज़रूर बोलना है, मैंने सोचा चले जाना साथ में, जो जो बच्चे रोक रहे हैं जोड़ों के लिए उनका भी अपने भाइयों को जो है ना वो शेयर करना चाहिए। ये है जी जोड़ों वाले, ठीक है जी, इधर को ज़रा शहजादी, ये देखें। और अगर आपके पास 50 बच्चे पले हों ना तो उनमें से 50 में से मेरा जहन जो होता है रोकने के लिए ब्रीड के वाले से, उसमें से दो बच्चे जो है ना लाजमी रोके जाएँ ब्रीड के लिए,
ठीक है जी, क्योंकि आगे नस्ल जो है ना उनकी चलती रहे। तो ये माशाल्लाह से बच्चा है जी, सब भाइयों ने बताना है कि ये बच्चा कैसा लगा आपको। तो बाकी माशाल्लाह से पढ़ रहे हैं, ये देखें ये हो रहे हैं इस तरह के मसले हैं सर। ये देखें ये नीचे से एक गया, ऊपर एक ये गया, ठीक है जी, ये देखें माशाल्लाह से। तो बाकी दोस्तों अब मैं ज़रा ऊपर जाने लगा हूँ, ज़रा इन लाइटों को उतारने लगा हूँ, क्योंकि इस लाइट को भी अब उतार देते हैं और ऊपर वाली लाइट को भी उतार देते हैं, क्योंकि आवारा कबूतर जो आके बैठता है ना वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। आज दो हमने वैसे जो है ना वो पकड़े हैं शिकार इकट्ठे, ठीक है इकट्ठे पकड़े हैं दोनों। तो ये बच्चा जो है ये अब पता नहीं मेरे ख्याल किन कबूतरों में से बना हुआ है। ये जिस तरह का इसका पहले कलर था ना, मैं काफ़ी टाइम हो गया इसको पकड़ा हुआ है मैंने, ये चपड़ा टाइप था, ठीक है। और आगे ऐसा ऐसा से सारा मतलब अपनी छाप इसने साफ कर ली है ऊपर से, और वाइट निकल रहा है गोल्डन, ये देखें। तो बाकी बच्चा अच्छा था जी, मैंने रात रुका हुआ पकड़ा था किसी का, जिस तरह हमारे जाते रहे हैं उसी तरह किसी का आ गया था। तो बाजी के मेरे ख्याल में दिनों में जब फिरते ले रहे थे कबूतरों की, तब मैंने पकड़ा था इसको। तो ठीक है जी, ये नस्लें हैं जी, नस्लें इस तरह की रखें सारे भाई, क्योंकि जिस तरह भी जहाँ भी जाए, जहाँ पे भी इनको ले के जाएँ और जहाँ पे भी इनको पीछे लगे हों येलो कलर पे जाएँ किसी भी जाल के, तो वहीं पे जाके बैठे हैं। देखे मेरे ऊपर वाले जाल में भी कोई कबूतर नहीं था, बस नीचे जुड़ों वाले मतलब कबूतर जो नीचे थे, क्योंकि इनको दाना शाना डालने का टाइम था दोस्तों, तो इस वजह से बाहर अंदर हो रहे थे और ये जनाब उड़े और वहाँ से गेड़े छिड़े डलाए और मैं सारा कुछ देखता रहा हूँ, तो सीधा आके यहाँ पे बैठ गया। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा अपने भाई को, दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।